ओम श्री साईनाथाय नमः। जय माता दी। आप सभी साई भक्तों को तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैंने जो जय माता दी बोला है वो नवरात्रों को लेकर के बोला है, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और बहुत ही उत्साह है हम सभी के मन में कि माता रानी हम सबके घर में आएं और जो रूखा सूखा भगवान ने हमें दिया है उसका हम उनको भोग लगाएं और वो उसको प्रसन्न होकर खुश होकर हमें अच्छा सा आशीर्वाद देकर जाएं। जिनके घर में खुशियां नहीं हैं उनके घर में खुशियां आएं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें, जिनके घर में कलेश झगड़े होते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बरकत हो, मतलब बाबा सबका अच्छा हो। त्यौहार का सीज़न आने वाला है तो सबके घर में खुशियाँ भी आनी ही चाहिए। तो नवरात्रि का त्यौहार हर इंसान बहुत एक विशेष महत्व होता है, हर इंसान बहुत खुशी से कलश स्थापना करता है, विधिवत माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं हम लोग, घर में रौनक और उत्साह का माहौल रहता है। 9 दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं कि मतलब जैसे वाकई त्यौहार शुरू हो गए ऐसी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए माता रानी की पूजा के जो कुछ नियम हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ और अब आपको भी बहुत लोग क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए आप लोगों के व्हाट्सएप पर, तो मैं अभी से आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हम फॉलो करते हैं वही हम आपको बताएंगे, ज़्यादा कुछ विशेष करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो नवरात्रों में क्या ध्यान देने की जो बातें होती हैं वो मैं बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं करना वीडियो। तो सबसे पहले तो माता रानी की पूजा में हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा की पूजा हम लोग बेझिझक करते हैं क्योंकि साईं तो साईं ही है ना, उनके लिए कुछ ऐसा विशेष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन माता रानी की पूजा में कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो माता जो जब नवरात्र स्टार्ट होते हैं तो माता रानी को जो रेड कलर होता है, लाल कलर ज़्यादा पसंद होता है ना, लाल कलर हम लोग चुन्नी चढ़ाते हैं, उनको चूड़ियाँ पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो इन 9 दिनों में जो माता रानी की आप जहाँ पे आसन लगाएं, हो सके तो आप रेड कलर के जो फूल होते हैं वो माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं पूरे 9 दिन, अच्छा होता है। क्योंकि मैंने अपने जो मम्मा से सुना है वही मैं आपको शेयर करूँगी जो हमारे घर पर होता है। तो और रही बात माता रानी के साथ साथ आप बाबा का भी पूजन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। माता रानी का कलश अलग से स्थापित कर दें, उनका आसन जो है वो अलग से लगा दें ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। दोनों का पूजन आप बराबर से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बाकी आप लोगों को पता होगा उनके आसन में क्या लगता है क्या नहीं लगता, रेड कलर का कपड़ा बिछाया जाता है उसके ऊपर, माता रानी को विराजमान किया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, खेतरी जो हम बीजते हैं वो खेतरी आप लोगों को पता होगा वो भी बीजी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें माता रानी में ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर खुद से भी आपके पास रेड कलर के वस्त्र हैं तो वो भी पहने, अच्छा होता है। क्योंकि कहते हैं ना जब हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे हमको फील आने लग जाती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मिलता है हाँ हम कहीं जाने वाले हैं, है ना, और घर पे रहते हैं तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम तैयार हो रहे हैं, हमें कहीं जाना है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर से ना। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रौली से स्वास्तिक बनाएं जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप हर मतलब कई लोग तो बनाते रहते हैं वो मतलब उसको फीका नहीं पड़ने देते, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो अपने मुख्य द्वार पर रौली से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, अच्छा होता है, ठीक है। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और जो लोग नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप अखंड ज्योति जलाइए। और जिनसे नहीं जल पा रही है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जलाते हैं वैसे जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए, इसी को अखंड ज्योति कहते हैं, ठीक है। 9 दिन तक आपको ज्योति ऐसे ही प्रज्वलित रखनी है, ठीक है। इसमें आपको कोई मतलब लापरवाही नहीं करनी है, मतलब 9 दिन तक आपको ज्योत का ध्यान रखना है, चाहे आप रात में उठें और उसमें जो भी जाए कि आप जिस चीज़ की आप जलाते हैं तेल की घी की, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी आप जैसा भी पाठ करते हैं दुर्गा चालीसा जो भी पाठ करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप कीजिए। और इसमें एक ये भी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि नवरात्रि के समय बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय जो होता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको भी एक प्लीज़ नॉनवेज छोड़ दें, ना खाएं।
9 दिन तो कम से कम ना ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, नॉनवेज क्यों यूज़ करना, मत कीजिए। लेकिन अगर आप खाते हैं, आपका नहीं पड़ता है कि हमें खाना है, तो प्लीज़ 9 दिन तक इसको अवॉइड कीजिए, मत खाइए। और लहसुन प्याज का भी भूलकर यूज़ ना करें, लहसुन प्याज उस दिन पहले से ही ना लें, अपने घर पर ना रखें। और अगर आपका रखा है तो उसको अलग रख दें, किचन में ना रखें, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं 9 दिन के, तब तो बिल्कुल भी आपको किचन में नहीं रखना चाहिए लहसुन प्याज। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आपको उसको दूर ही रखने, मतलब 9 दिन तक लहसुन प्याज आप अपने किचन से थोड़ा सा दूर रख दें, अलग से स्थान पे रख दें। और जिन लोगों ने नहीं लिया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो हम लहसुन प्याज लेना ही थोड़ा बंद कर देते हैं, उसको ख़रीदते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, अलग रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो मैं आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि नवरात्रि के जब आप कलश स्थापित करते हैं, जब कलश आपके घर पे विराजमान कर देते हैं आप, अखंड ज्योति जलती रहती है आपके मंदिर में, तो इन दिनों को घर को खाली छोड़कर आपको नहीं जाना है। पूरा घर कहीं पर भी ना जाएं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो जो घर पर रहे, माता रानी की ज्योत की देखरेख करे माता रानी के पास, क्योंकि माता रानी आपके घर पे विराजमान है, तो आप उनको छोड़कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपके घर पे मेहमान हैं और आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए जब तक नवरात्रे हैं तो कहीं आने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके घर पे खुद साक्षात महारानी विराजमान है, तो उनको छोड़कर जाने का तो मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। और नवरात्रि के समय जितना हो सके भजन कीजिए, माता रानी का गुणगान कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए, क्योंकि उन्हें खुशी होगी जब उनके बच्चे, जब माँ के बच्चे माता माँ के लिए कुछ करते हैं, तो माँ को बहुत खुशी होती है ना। तो बस इसी के साथ सेवा करते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए, उनकी सेवा में लगे रहिए, वो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी। ये सोच के नहीं करना है, प्यार है इसलिए करना है, बाकी वो देने में कभी कमी नहीं करते हैं, ठीक है। जय साईं राम, माता रानी आपका भला करे, बाबा आपका भला करे, जय साईं राम, जय माता दी।